मधु की ब्लॉग स्टोरीज। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक और होम डेकोर हॉल, क्योंकि अभी चल रहे हैं फेस्टिव सीजन और जो भी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ वो सारे हैं फेस्टिव रिलेटेड। बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। एंड इन चीज़ों को मैंने अभी तक सजाया तो नहीं है, बट हाँ मैंने यूज़ करा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने 2-3 बार यूज़ करके देखा है, चेक करा है, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर पाऊँ। एंड एज़ यूजुअल ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है अमेज़ॉन की तरफ से, बाय द वे ये अमेज़ॉन होम डेकोर हॉल है। एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद आती हैं और आप कुछ भी लेना चाहते हो तो उनके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके उनको परचेस कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हॉल है फेस्टिव रिलेटेड, तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो फेस्टिवल्स में हमें सजाने के काम आती है। अभी दुर्गा पूजा गया है, अब दिवाली है, करवा चौथ, दिवाली, लक्की पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, अब तो चलते रहता है। आज का हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आया है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, पतला सा ये पैकेजिंग है, अंदर से निकला है ये अमेजिंग सा वॉल हैंगिंग जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर होम। आप अपने होम के एंट्रेंस में इसको लगा सकते हो, जब गेस्ट आएंगे वो देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे से घर भी बने हुए हैं, जो स्पेशली इसका शेप है ना थोड़ा अलग है तो अच्छा लगा मुझे इसीलिए। एंड इसके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल है, जो कि एंट्रेंस पे रखते ही, मतलब आते ही ये आंखों में लगते हैं, दिखते हैं। एंड ये इस तरीके सा कोई प्लाईबोर्ड है, पतलू सा वैसा मटेरियल है, बट हाँ वॉल हैंगिंग के हिसाब से क्वालिटी बहुत है। इस पे जो है इस तरीके की रस्सी दी गई है हैंग करने के लिए, एंड पूरा ये पीछे से भी इस तरीके से कनेक्टेड है। एंड ये वाला जो प्लाई है इसकी वेट उतनी ज़्यादा नहीं है कि आपका जो रस्सी है वो टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बस आप इसको हैंग कर दो इजीली, काफ़ी अच्छा तरीका है ये गेस्ट को वेलकम करने का। और ये प्रोडक्ट है हमारा आर्ट वाइप्स की तरफ से, एंड इसको मैंने परचेस किया था 299 में, विच इज़ ओके, बहुत अच्छा है। एंड आप इस तरीके का कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो फेस्टिवल सीजन में। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं एंड हम अभी देख लेते हैं अपना सेकंड प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा सेकंड आइटम है वो है ये LED स्ट्रिप लाइट। तो मैंने इसको यूज़ करा है अपने पूजा वाले रूम में, तो मैं इसको यहाँ पे तो शो नहीं कर पाऊँगी, बट ऑब्वियसली मैं इसका जो क्लिप है वो साइड में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वार्म येलो लाइट है इसका, बहुत ही ब्राइट है, 3 मीटर्स की लेंथ के साथ आया है। एंड ये है ब्रांड वाइसेंट की तरफ से, एंड इसकी जो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। मैं तकरीबन 1.5-2 महीने से मैंने इसको लगा के रखा है, गणेश पूजा के पहले से मैंने इसको लगा के रखा है, एंड अभी तक थोड़ा भी लाइट डिम नहीं हुआ। स्ट्रिप लाइट्स के पीछे जो है एक्स्ट्रा आपको डबल टेप मिल जाता है, जिनको आप बस उसका ऊपर का कवर निकाल के आप चिपका लेते हो, लेकिन उनका रिव्यू मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सेटिस्फाइंग नहीं लगा, तो मैंने इसलिए इसको परचेस किया। एंड जो मेरे पास पहले से ही वो टेप था, ट्रांसपेरेंट टेप था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कहीं पिक लगा दूंगी उसका, वो मैंने यूज़ किया है, तो सीमलेसली ये वहाँ पे चिपक गया एंड काफ़ी अच्छे से होल्ड करा है उसने। तो बहुत ही अच्छे लाइट्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। प्लग है इसका, साथ में आप इसको प्लग इन कर लो एंड स्विच ऑन करो, उसके साथ ही आपको ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, कोई भी बैटरी वगैरह का कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड मैंने जो है इसको परचेस किया था 3 मीटर वाला 285 रुपीज़ में। इसमें और भी अलग अलग मीटर्स जो है, मतलब लेंथ वाइज वो अवेलेबल है, जैसे कि 5 मीटर, 7 मीटर, इस तरीके से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। फेस्टिवल्स में एकदम आप इस तरीके से किसी भी पूजा रूम में या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ लाइट ब्राइट होना चाहिए वहाँ पे आप इसको ऐड करो, बहुत अच्छा लगेगा। जब से मैंने इसको पूजा रूम में लगाया है मैंने कोई लाइट्स और अलग से ऐड मतलब ऑन नहीं करी हैं पूजा रूम में, दिन भर ये चलते रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो अलग से कोई किसी और लाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो बहुत अच्छा है फेस्टिवल्स के लिए, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो डेकोर आइटम नहीं है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में बहुत काम आने वाला है। फेस्टिवल सीजन में ही नहीं, आप इन जनरल भी, मतलब रेगुलर में आप अगर पूजा पाठ करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो तो भी अगर आपको पसंद है कि आपका घर हमेशा अच्छे से स्मेल करता रहे, तो इस वाले चीज़ को आप ज़रूर ट्राई करना। एंड स्पेशली पूजा में, ओ माई गॉड, कितना डिवाइन फीलिंग आता है ना। तो ये मैं तारीफ कर रही हूँ, मैंने इसका नाम नहीं बताया है, ये है ब्रांड रोडोलेंस की तरफ से दसांगम पाउडर, ये इस तरीके से है, देखिए। तो ये छोटू सा पैकेट है, इसको मैंने यूज़ कर रही हूँ हमेशा, बहुत दिनों से, लाइक
5-6 महीने हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी तक इतना ही यूज़ हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा हमें यूज़ करना होता है। एंड मैं जब अब पैकेट इधर उधर मूव कर रही हूँ तो मेरे सामने से इसकी जो खुशबू है, मतलब मुझे वो आ रही है। जब भी आप कोई टेम्पल पे जाते हो तो वहाँ पे जो भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू होती है, उस तरीके का ये खुशबू है। दसांगम पाउडर इसको बोलते हैं, हर्बल पाउडर होता है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है। एंड जब भी मैं पूजा करती हूँ और धूप धूना करती हूँ मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत कमाल की फीलिंग आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही डिवाइन होता है इसका स्मेल जो है। एंड पूजा करते हैं जब भी हम इस तरीके का कोई भी सुगंध यूज़ करते हैं पूजा पाठ में, तो हमारी जो पूजा है वो और एक लेवल अप हो जाती है, हमारी जो आस्था है वो एक लेवल अप हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके बाद एक और ऑर्डर किया था, लेकिन वो मैंने किसी और ब्रांड का ऑर्डर किया था और मैंने उसको अलग से ऑर्डर किया था, अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं किया था। वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी बेस्ट है ये, उससे भी ये बेटर है। ये मैं अलग से यूज़ करती हूँ, पूजा के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। अंदर एक कोन भी दिया गया है जिसके हेल्प से आप इसको निकाल के एक कोन के शेप में भी आप एक किसी प्लेट वगैरह में रख के आप इसको बस जला सकते हो। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं बस जो है एक कोल जला लेती हूँ, या फिर जो नारियल का हमारा जो छिलका होता है ना ऊपर का सूखा हुआ, उसको मैं हम लोग बेसिकली पूजा में धूप देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिप पे देख रहे हो। उसको मैं जला के जब पूरा सा जल जाता है उसके बाद जो है गूगल डालती हूँ, गूगल के साथ ये भी डालती हूँ। ये इतना स्मेल इसका अच्छा है कि ये गूगल के स्मेल को भी ओवर पावर करता है एंड पूरे घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। मैं तो कंपलसरी इसको यूज़ करती हूँ पूजा में। एंड अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, इन जनरल भी आप इसको जला सकते हो, बहुत अच्छा स्मेल आता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, पूरे घर में एक पॉजिटिव सा वाइब बन जाता है इससे। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप पूजा वाले फेस्टिवल्स वाले सीज़न में ही नहीं, आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये वाला दसंगम पाउडर जो है यूट्यूब पे बहुत सारे इसके ना रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके के जड़ी बूटियाँ यूज़ करके इसको बनाते हैं अच्छे से स्मेल के लिए। अब उतना मेहनत कौन करेगा, आप सिर्फ इसको 139 रुपीज़ में अमेज़ॉन से परचेज करके इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आज तक जो भी यूज़ करा है ना उसमें ये सबसे बेस्ट लगा है मुझे। आज का जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ये ब्यूटीफुल से तोरंस, जो कि डोर पे आप हैंग कर सकते हो, पूजा वाले रूम के एंट्रेंस पे आप हैंग कर सकते हो, एंड फेस्टिवल्स पे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। स्पेशली इसका प्राइस पॉइंट है 199 रुपीज़, एंड इसका जो ब्रांड है वो है क्रिएटन CRE, कुछ इस तरीके से नाम लिखा, CRE YENTES, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया है तो मैंने बस स्पेलिंग बता दिया है। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तोरण काफ़ी अच्छी है क्वालिटी इसका भी, मैं अगर मुझे वीडियो का लिंक मिला या फिर वो तोरण मुझे मिल गए तो मैं आपको दिखा दूंगी साइड में क्लिप ऐड करके। फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा है, छुआ है, क्वालिटी चेक की है, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड फेस्टिवल्स में ऐसी चीज़ें चार चांद लगाती है हमारे घर को, तो आप इसको भी ज़रूर लेना। बस मैंने कहीं पे उनको रख दिया है तो मुझे मिल नहीं रही हैं वो चीज़ें, लेकिन हाँ बहुत ही कमाल की चीज़ आई है। अगर मुझे वो मिल जाते हैं वीडियो एडिट करने से पहले तो मैं साइड में क्लिप ऐड कर दूंगी, आप उसको क्लोजली देख सकते हो। एंड मैं ढूंढूंगी वीडियो शूट करने के बाद ये कहाँ पे है, मैंने बहुत देर ढूंढा, एक्चुअली मुझे मिला नहीं तो मैं बैठ गई, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा परचेज है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, एंड प्राइस भी ज़्यादा नहीं है तो आप चांस ले सकते हो चीज़ को लेके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और इस तरीके की चीज़ जो है मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर करी है, मैंने इसके पहले कभी भी ऑर्डर नहीं किया है। तो वो है एक ब्यूटीफुल सा उर्ली, जो कि काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग में आया था, पैकेजिंग अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसा सा हो गया है, पैकेजिंग ऐसा हुआ है लेकिन अंदर का जो चीज़ है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी उर्ली है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी इसको देख रखा था, तो मैं भी सोच रही थी मैं लूँगी करके, क्योंकि एक एक करके चीज़ें इकट्ठा होंगी तभी तो हम लोग उसको एक साथ में सजा पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से गोल्ड कलर में है, ये ब्रास का नहीं है, ये मेटल का है, बस जो पेंट है वो गोल्ड कलर का स्प्रे पेंट है, शायद स्प्रे पेंट है, कोई भी पेंट है, लेकिन ये मेटल ब्रास नहीं है, मेटल है। एंड इसके चारों तरफ जो है मतलब राउंड में जो है इस तरीके के छोटे छोटे रोजेस बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर लगा। इस पर आप पानी भर लो एंड उसके थोड़े फ्लावर्स और थोड़े फ्लोटिंग कैंडल्स डाल के इनको सजा लो, दिवाली में इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है।
एंड ये जो है मैंने परचेज किया है 447 रुपीज़ में। हो सकता है अभी सेल वगैरह चल रहे हैं अमेजोन पे तो आपको थोड़ा कम पे मिल जाए। एंड इसका जो ब्रांड है वो है IMP। यहाँ पे सिर्फ IMP उर्ली मेटल डेकोरेटिव ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड बाउल लिखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा, IMP लिखा हुआ है ब्रांड का नाम। एंड एनीवेज आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी हैवी भी है, मतलब अच्छी लग रही है पकड़ के, क्वालिटी पता चल रहा है इसका। तो मेरे तरफ से ये भी बहुत रेकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हो। इस तरीके की चीज़ें ना एक बार इन्वेस्ट कर लो, फिर आप इनको हर साल पेटी में से निकालो, यूज़ करो फेस्टिवल्स में, फिर अच्छे से क्लीन करके सुखा के इसको रख दो, बहुत दिन चलते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये सारी चीज़ें। एंड मैंने एक्चुअली में बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है, मुझे बहुत पसंद है होम डेकोर हॉल्स देखना, तो मैं बस बिंज करते रहती हूँ। एंड मैंने बहुतों के हॉल में ये देखा है तो मैंने सोचा मैं भी एक मंगा के देखती हूँ कैसा लगता है। एंड आज का जो हमारा लास्ट आइटम है वो इस हॉल में एक्चुअली सारी चीज़ें फेवरेट है। एंड ये भी, ओ ये तो खाली डब्बा है, ये भी मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से इस तरीके से पैकेजिंग में आया है। एंड आई एम श्योर आपने ये वाला जो प्रोडक्ट है वो भी बहुतों के हॉल वीडियो में देखा होगा, तो मैंने भी इसको लिया है। मैं बहुत दिन से इसको चेकआउट कर रही थी, मुझे जब प्राइस थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसको चेक कर लिया। इस तरीके से पूरे सा पैकेजिंग आया है, अंदर में बहुत सारा ये जो है प्रोटेक्शन ये दिया गया है। एंड दो जो है इस तरीके के कैंडल भी दिए गए हैं, टी लाइट कैंडल दो दिए हैं, एक ये धूप है, इस तरीके की धूप स्टिक्स दी गई हैं जलाने के लिए। मैंने इनको जलाया है, बहुत बेकार है इसका स्मेल, तो उसकी आशा में मत रहे कि वो जो है वो जलाएंगे। बट आप अलग से कोई धूप आपके पास है, आजकल बहुत ज़्यादा इजीली हर जगह पे मिल जाते हैं धूप के कोन्स वगैरह, तो वो आप जला के रख सकते हो। एंड इतनी सारी बातें करने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ प्रोडक्ट जो कि है, ये बहुत सुंदर है, देखिए ना कितना क्यूट लग रहा है, मतलब इसकी चार्म ही अलग है। क्योंकि ये भी मेटल है, ये ब्रास नहीं है, लेकिन इसका जो लुक है वो ब्रास लुक लाइक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ट्रेडिशनल टच ऐड करेगा हमारे फेस्टिवल्स में। एंड इसको भी मैंने ट्राई करा है 2-3 बारी, काफ़ी अच्छा है। बट जब आप इस तरीके से इसको रख के जलाते हो अंदर में धूप, जैसे कि आपको क्लिप में दिख रहा होगा, तो ऊपर वाला जो ढक्कन है ना वो गर्म हो जाता है, तो अगर आप जलाने के तुरंत बाद इसको टच करते हो तो आप थोड़ा केयरफुल होकर टच करना, क्योंकि ये मेटल है तो गर्म हो जाता है। एंड उसके बाद इसके अंदर इस तरीके से ये जगह दिया गया है, यहाँ पे आप कोई कोन यहाँ पे जला के रख लो तो धुआं आते रहेगा एंड बहुत सुंदर लगेगा, या फिर आप टी लाइट रख लो तो टी लाइट भी आप लगा के इसको हैंग कर सकते हो किसी वॉल पे, जैसे कि वॉल ब्रैकेट्स आते हैं ना, वॉल ब्रैकेट्स पे आप इसको हैंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। धूप वाला नहीं करना चाहते हो, या फिर आप जो कैंडल लाइट है छोटा वाला वो नहीं जलाना चाहते हो, तो आप इसमें जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट टी लाइट आती है उसको आप इसमें जो है रख लेना। आई सजेस्ट कि आप 2-3 रखना ताकि अच्छी ब्राइट लाइट आए, या फिर आप फेरी लाइट लगा लेना अंदर में, तो उनको इसके अंदर रख के, या फिर ऐसे मतलब बेसिकली उसमें ठूस के आप इसको बंद करके आप इसको हैंग करो, टी टेबल पे रखो, साइड टेबल पे रखो, बहुत अच्छा लुक आएगा इसमें से, जब रोशनी निकलेगी ना क्या कमाल का लुक आएगा। एंड इसके साथ एक और एक्स्ट्रा दिया गया है, इन केस पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर पे तो ये एक है ही, इस तरीके से और एक एक्स्ट्रा दिया गया है, पता नहीं कभी भी काम आ सकता है तो इन चीज़ों को नहीं फेंकेंगे। तो ये है आज का हमारा लास्ट आइटम, एंड इसका तो मैंने प्राइस बताया ही नहीं ना। ये है ब्रांड इंटेरियो क्राफ्ट्स की तरफ से, कास्ट आयरन का है ये मेटल, हाँ कास्ट आयरन का है। एंड इसको मैंने परचेस करा था 690 रुपीज़ में, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा एक्सपेंसिव है, 500 के रेंज में आता तो बहुत अच्छा होता, बट हाँ उसके हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस कम हो तो और भी अच्छा लगता मुझे, बट फिर भी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से इसका वेट है, मतलब एकदम आराम से चलेगा, आप इसको यूज़ करो फिर रखो, फिर नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल्स में निकालो, बहुत अच्छे से चलेगा, थोड़ा सा क्लीन करके रख लो, बहुत अच्छा है। एंड अंदर की तरफ मैंने आपको दिखाया नहीं, अंदर की तरफ इस तरीके से पूरा सा ब्लैक पेंट करा, आप इसको ट्राई कर सकते हो, मेरे तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। तो यही था आज का हॉल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया हो, और पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।